के कारण हुए भयानक भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है। ये आंकड़े केरल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जारी किए गए, तो वहीं 128 लोग घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 211 लोग लापता हैं। अभी भी काफी लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका है, जिससे मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। तो वहीं सेना मंगलवार को तेजी से राहत और बचाव अभियान को अंजाम देते हुए करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुकी है। सेना के साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव के काम में जुटी है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, केरल की तस्वीरें आप देखिए वायनाड में, जहां पर जमीन खिसकने से 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और मौत का आंकड़ा अब 151 पहुंच चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बताएं कि 211 लोग अभी ऐसे हैं जो लापता है। मलबे से अभी तक 151 शव निकाले गए हैं। बीतते समय के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है और केरल में इस वक्त सबसे बड़ी त्रासदी है। ये एक चोरमाला रिवर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके उसके इस साइड में जो है मुंडा कई विलेज है, वहाँ पे हमारी टीम अभी जा रही है। कल जो वहाँ से विक्टिम्स, जो इंजोर्ड विक्टिम्स है, उसको निकाला गया है। अब जो भी कॉलेप्स बिल्डिंग घर होगा उसमें कुछ विक्टिम्स ट्रैप्ड हो सकते हैं, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला हम लोग का काम है कि रिवर क्रॉस करके उस साइड मुंडकई विलेज में हम अभी अपनी टीम को भेज रहे हैं। कल रात में जो है हमारी टीम जो है 70 लोगों को रेस्क्यू किया है रोप से। रात के 10 बजे तक हमारी ऑपरेशन चली है, उसके बाद वेदर और रेनफॉल के कारण हम लोगों ने रोका है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर अभी हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं।